तुम लोग तैयारी करते हो, पढ़ाई करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन एक टाइम के आने के बाद ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तुम तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, पढ़ाई कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, लेकिन तुम्हें भी पता है एक टाइम ऐसा आएगा जब हमें नौकरी मिल जाएगी और हमारा इतना इंटरेस्ट पढ़ाई पर रहेगा नहीं, ये सबको पता है। तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, जब ये कंडीशन आएगी तब हम क्या करेंगे? देखो, हम एक चीज़ हमेशा बोलते हैं, एक शौक आदमी के अंदर ज़रूर होना चाहिए और वो होना चाहिए डाई, मतलब मरते दम तक वो शौक ख़त्म नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके का वो शौक हो सकता है। अब शौक तुम प्रोफेशन का नहीं पाल सकते हो, अगर तुमने नौकरी का शौक पाला है, कुछ लोगों को होता है, अब देखो सबकी बात हम करेंगे, कुछ लोगों को होता है कि अगर उनको पुलिस की नौकरी करनी तो उनका शौक है कि अगर उनको उतनी सैलरी नहीं भी मिलेगी लेकिन फिर भी वो पूरी जी जान लगा के पुलिस की नौकरी करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनका प्रोफेशन नहीं, वो उनका शौक बन चुका है अब, ठीक है। दूसरी चीज, अगर तुम किसी भी बॉडी बिल्डर को देखो, हम इसलिए कहते हैं बॉडी बिल्डर से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कोई बॉडी बिल्डर है, ठीक है, उससे तुम क्या चीजें सीखोगे? जब कोई बॉडी बिल्डर बॉडी बिल्डिंग करता है तो वो जिंदा रहते, मतलब जब तक वो मर नहीं जाता तब तक करता है, जब तक उसके पैर हाथ काम ना करने बंद करते तब तक वो करता रहता है बॉडी बिल्डिंग। क्यों? क्योंकि उसका वो शौक है जो उसको मरने देगा नहीं, तो वो जिंदा रहते, वो जब तक जिंदा है तब तक वो काम करता रहेगा। इसीलिए तुम लोग भी पढ़ाई के अलावा भी एक शौक ऐसा पालो जिसपे तुम जिंदगी अपनी दे सको, यकीन मानो फिर तुम्हें पैसे से कोई मतलब रहेगा नहीं। अगर तुम ये चीज सीख गए कि इस चीज पे तुम्हें जिंदगी भर के लिए देनी है, अपनी जिंदगी इसी पे लगानी है, तुम कभी भी पैसे के लिए भागोगे ही नहीं। आज जो बॉडी बिल्डिंग, सीरियस बॉडी बिल्डिंग कर रहा है ना, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, उसके पास पैसा हर जगह से आ रहा है, लेकिन वो तब भी उतनी मेहनत कर रहा था जब उसके पास 10,000 रुपये महीना आ रहा था, आज भी उतनी मेहनत कर रहा है जब वो 10 लाख महीना कमा रहा है। तो तुम लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, डीप तरीके से समझनी पड़ेगी कि अगर तुम्हें कोई भी एक ऐसा ड्रीम है तुम्हारे पास जो वाकई में तुम्हें दिन रात हॉन्ट कर रहा है, तो उसी के पीछे भागो हम तो कहेंगे, क्योंकि वो ड्रीम तुमसे 24 घंटे की मेहनत करा लेगा और तुम उसमें थकोगे नहीं। लेकिन अगर कुछ तुम ऐसे काम पे लगे हो जो तुम डेली बेसिस पे कर तो रहे हो लेकिन दिन के आखिरी में तुम्हारे पास कुछ हो नहीं रहा है, कुछ निकल नहीं रहा है, तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है कि यार हम क्या कर रहे हैं, तो यकीन मानो वो चीज़ तुम्हें इतनी हॉन्ट करने वाली है, वो चीज़ तुम्हें इतनी दर्द देने वाली है कि लाइफ टाइम तुम उसी दर्द में पड़े रहोगे। तो एक शौक, हम तो कह रहे हैं पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी लग जाएगी आज नहीं तो कल लग ही जाएगी यार अगर मेहनत कर रहे हो, लेकिन उस पढ़ाई के अलावा भी कुछ चीज़ें तो अपनी लाइफ में ऐसी होनी चाहिए जिससे हम मज़ा ले सकें, जो हमें लाइफ टाइम करनी पड़े, या फिर जिससे हम ये समझें कि यार इससे तो ज़िंदगी भर मज़ा ही आएगा, मतलब लाइफ टाइम हम इसमें इन्जॉय कर सकते हैं, 24 घंटे की मेहनत हम हमेशा कर सकते हैं। और एक ना एक शौक तो सबका होता है, अगर जन्म लिए हो तो कुछ ना कुछ तो शौक होंगे ही, और एक शौक कोई भी हो सकता है उसमें से, जैसे मेरा बॉडी बिल्डिंग है, तुम्हारा रनिंग हो सकता है कि तुम रनिंग करने में तुम्हें मज़ा आता होगा, किसी का सिंगिंग हो सकता है तो सिंगिंग तुम सीखते सीखते बेहतरीन कर जाओ। कितने पुलिस वाले हैं जो सिंगिंग शो में जाके बढ़िया कर रहे हैं, आज भी वो गाना गाते हैं, मस्त मजा कर रहे हैं। तो एक चीज ऐसी चुनो जिसके ऊपर तुम जिंदगी दे सको, लाइफ टाइम मर सको उसके ऊपर, एक चीज ऐसी चुननी पड़ेगी, और वो चीज क्या है वो तुम्हें समझनी पड़ेगी कि क्या चीज तुम चुन रहे हो। राम राम, जय हिंद।